दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की तरफ से पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी पोजीशंस पर वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से निजल रहेंगे आपकी डायरेक्ट भर्ती रहेगी कोई भी एग्जाम नहीं होगा ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी दोस्त हमारे पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं अगर आपने डिप्लोमा या बी बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में इसके साथ ही आप ऑटो के टू डी या थ्री डी इसके अलावा भी आपके जो भी सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर हैं अगर आप उन पर काम कर लेते हैं तो आपको अपना अपडेटेड सी वी इस नंबर पर शेयर कर देना है हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर नोटिस आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मलकांगरी की तरफ से 11 जुलाई को जारी किया गया है यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं आगे आपको बताया है इंटरेस्टेड पर्सन हैविंग रिक्वसाइड क्वालिफिकेशन कैन अटेंड अ वॉकिंग इंटरव्यू फॉर इंगेजमेंट एज पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी एंड पार्ट टाइम लेब असिस्टेंट अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे क्या मांगी गई है और इंटरव्यू यहाँ पर आपका कब और कहाँ होने वाला है सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी इन मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अगर आपने बी बी टे किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है लेबर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मैकेनिकल और वर्कशॉप वाले एलिजिबल रहेंगे अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने बी बी टेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने बी बी टेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है गेस्ट फैकल्टी कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अगर आपने बी बी टेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आई टी इंजीनियरिंग में आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अगर आपने बी बी टेक या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में और आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं एलिजिबल होते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना अपडेटेड सी लेना है उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको लेना है सेल्फ टेस्ट करना है और आपको पहुँच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर डिप्लोमा बी टेक मैकेल इंजीनियर्स का इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है चौबीस जुलाई को सुबह ग्यारह बजे से सिविल इंजीनियर्स का 25 जुलाई को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है छब्बीस जुलाई को तो अगर आपने बी बी टेक या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में और बी बी टेक और डिप्लोमा में आपके मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क हैं आप फ्रेशर हैं आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे बाकी अगर आप लोगों के इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है क्वेरी हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है आप लोग यहाँ पर इन लोगों से बात कर सकते हैं तो जो लोग भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं एलिजिबल होते हैं आप इनकी नियरेस्ट लोकेशन में आते हैं आप ये वॉकिन इंटरव्यू ज़रूर दीजिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू शुक्रिया वीडियो को लाइक करें शेयर करें सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब सब्जेक्ट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें